हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और ये है फर्स्ट एपिसोड ऑफ शरबत SMP सीज़न 2 और 9। ये कोई SMP नहीं है, मैं मेरे क्रिएटिव वर्ल्ड में, क्योंकि SMP में बहुत सारे बिल्ड बन चुके हैं और बहुत कुछ हुए, इसलिए मैं आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ कि गाइस हम लोग स्पॉनिश जगह पे होंगे और जो ये एरिया है यहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मेरा टावर रहेगा जो बहुत ज़्यादा OP है। और आप एक बार इसको देख लो गाइस, ये पहले कैसा था और अभी मैंने इसमें क्या क्या किया। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। और गाइस उससे पहले अगर आप वीडियो पे नहीं आई चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी ही लगेगी आपको, इसलिए पहले ही लाइक कर दो। चलिए शुरू करते। तो फिर गाइस हमें फ्लैशर के साथ माइनिंग कर रहा था। हाँ ये सीधा हम फर्स्ट डे का तो नहीं है, लेकिन हाँ हम माइनिंग कर रहे थे। हम हमारे बेस से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और मैं ऊपर चल ही रहा था कि गाइस तभी यहाँ पे फ्लैशर ने रख दिया क्राफ्टिंग बेंच। और देखो गाइस कितना धीरे धीरे नीचे जा रहे, बहुत फनी लग रहा था वो। और मैं फर्नेस में दी तो इसके पास कोल बहुत कम था, इसलिए मैंने मेरा सारा कोल दे दिया। कोई बात नहीं, हम दोस्त थे। और फिर गाइस अभी मैं जा रहा था इस साइड पर, देखता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी सी केव है जो कि बहुत गहरी लग जाती है। मेरे को लगा गाइस बहुत ज़्यादा नीचे तक जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, वो थोड़ी रास्ते तक गई और फिर हम लोग ऊपर नहीं आ गए। मतलब गाइस हमारे वहाँ पे पोपट हो गया था। और फिर मैं वाटर बकेट से आ रहा था, लेकिन फ्लैशर मेरे पहले ही फटाफट स्टोन ब्लॉक्स से ऊपर जा रहा था। भाई वो बहुत ज़्यादा प्रो बन चुका है अभी फ्लैशर बहुत दिनों में, वैसे मेरे से प्रो ही है वो, मेरे से बिल्डिंग में प्रो। और मैंने यहाँ से धीरे धीरे, पता नहीं गाइस मैं पूरे 3 महीने बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा था, इतना नूब बन गया हूँ मैं, पूरा नूब बन गया हूँ। और इस साइड पे अभी हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे वाटरफॉल है, लेकिन ये भी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। और यहाँ पर एक टॉर्च थी जो कि मेरे से गलती से टूट गई, इसलिए गाइस मैं फटाफट से इसको लाइट अप कर देता हूँ और फ्लैशर का पीछा करते, क्योंकि वैसे वो तो प्रो बंदा है, मैं तो नूब हूँ। ओके तो भाई यहाँ पे भाई छोटा सा हल्का सा पार्क और कर लिया। अब कहाँ जाएंगे भाई फ्लैशर, इसका भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते। वो भाई साहब मैं इसको ना धक्का दे देता गलती से, फिर मेरे को बहुत मारता ही है। ओके तो फिर अब मैं क्या करूँ। चलो गई अभी मेरे को ऐसी जम मानी वाली ऊपर देख लेते हो ना, तब पता चला दीवार से सर भिड़ के नीचे गिर जाऊँगा। और फिर यहाँ पर वो नहीं नहीं गई, नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता यहाँ पर, तो और ज़्यादा खतरनाक, गिरते गिरते बचो। एक काम कर लेता हूँ फटाफट से, है ना स्टोन ब्लॉक्स कलेक्ट कर लूँगा मैं, मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, मैं यहाँ पे प्रो बंदा नहीं हूँ, पार्कौर नहीं आता मेरे को। तो ठीक है यहाँ से हम लोग धीरे धीरे चलते और हाँ चलना है भाई, किसकी राह देख रहा है ये फ्लैशर, ये अलग बंदा है भाई। इसकी नई स्किन देखिए भाई, आप फ्लैशर की स्किन के लिए एक लाइक मार दो, बहुत बढ़िया कूल लग रही है, मुझे पसंद लग रही है। लेकिन मेरी स्किन सबसे बेस्ट है गाइस। ओके तो हम चलिए फ्लैशर का पीछा करते हैं। फ्लैशर कुछ ज़्यादा प्रो बन गए भाई, और कुटाई कर रहे हैं सारे मॉब्स की। ओके तो भाई हमें कहाँ पे ले जा रहा है भाई, तेरे पहचान का तो है ना एरिया, इसको सुनाई नहीं देगा। कोई बात नहीं, ओ यहाँ पर आ गया, ठीक है चलते ऊपर। हाँ कोई नहीं मैं आ रहा हूँ। एक क्या हो रहा है आज, मैं 3 महीने बाद खेल रहा हूँ इसलिए पूरा नूबड़ी गिरी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को ना हाथ बिठाना पड़ेगा फिर से माइनक्राफ्ट पे पहले की तरह। ओके तो फिर ये बंदे हुआ, अभी कुछ तो मिल गया लगता है। ओ भाई ओके तो कुछ तो कर रहे हैं। ए रुको रुको रुको, ए अभी देखो गाइस मेरे MLG, देखो गाइस आप बोलोगे भाई बहु प्लेस की MLG इज द बेस्ट, जस्ट 3, 2, 1। ओ ये देखा तो नहीं किसी ने, आ भाई फ्लैशर का बंदा कोई और उधर ही है। और फिर गाइस हमें सब पे जीवड मिल गया था मेरे पोस्ट 65 MLG के बाद, और अभी मैं इसको लूटना चालू कर देता गाइस। मेरे को अमेथिस ब्लॉक का कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ कैलस हेड बहुत सारे चाहिए थे। और यहाँ पे फ्लैशर मेरे को बोलता है विलेज में ही रहे, और फिर बाय बोल के वो तो कट लेता है। और फिर मैं भी चला जाता हूँ अपने मेन बेस पे और यहाँ पे खड्डा खोदना चालू करता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को यहाँ पे बनानी थी एक लेक और जो कि बहुत ज़्यादा OP होने वाली, इसलिए गाइस मैं अभी टाइम लैप्स करने वाला हूँ और एक अच्छा सा म्यूजिक भी चला दूंगा। Let's go! एक काम कर
करता हूँ, सबसे पहले ना हम लोग म्यूजिक चेंज कर लेते ही Perfect. तो अभी हो चुका है। अभी हमें इस लेक के अंदर भरना है पानी, तो मैंने एक बकेट ली, उसमें पानी लेके इस पे डाल दिया। दूसरी फिर से एक बार बकेट ली, यहाँ पर डाल दिया, फिर से खाली हो गया, फिर से जाऊँगा बकेट लूँगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम पास होगा, इसलिए मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। मैं बहुत सारे बकेट से एक बार में लाऊँगा, जैसे कि आप देख सकते 4 बकेट से अभी इनको लूँगा और फटाफट से डाल दूँगा। और मेरे साथ प्लास्टर भी है जो कि मेरी मदद कर रहा है। इसलिए गाइस हमने काम 20 मिनट में हमने पूरे बाउंड्री पे पानी डाल दिया था। और फिर गाइस बाद में मैंने पूरे 1 घंटे तक इस पर काम करते करते मैंने इस पूरे लेक को पानी से भर दिया। और गाइस आप सोच रहे हो ये क्या है, तो गाइस मैंने बीच में भी पानी आया इसलिए मैंने इसे डर्ट ब्लॉक्स रखे और उनके ऊपर पानी डाला कि अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और अभी आप देख सकते हो कि पूरी लेक बन चुकी है, ऐसा लग रहा है नेचुरल ये। लेकिन हम इसके अंदर भी और डिटेलिंग करेंगे आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स में, और वो बहुत ज़्यादा ओपी लगेंगे। और वो है मेरा हाउस, लेकिन एक और टाइम लैप्स करना पड़ेगा हमें। और जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, अभी मैं यहाँ पर एक ब्रिज बना रहा हूँ, क्योंकि जो कि स्पॉन से जो मेरा घर है वो बहुत ज़्यादा पास ही में ही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ब्रिज इसलिए बनाता था ताकि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे को इस रिवर को क्रॉस ना करना पड़े, मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पर आ जाऊँ। और यहाँ पर मेरे दोस्त इंस्टा के नोटिफिकेशन पे आ गए, कोई बात नहीं, पहले गेमिंग और फिर इंस्टा। ओके तो फिर अभी मैं पूरा हो चुका है, अभी मैं आपको एक टूर करवाऊँगा गाइस SMP का। तो फिर ये जो है क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ पर हम लोग स्पॉन होंगे। और सीधा यहाँ पर मैंने एक ब्रिज बनाई जो कि अभी सब कंप्लीट नहीं है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में कंप्लीट हो जाएगा और वो भी बहुत ज़्यादा ओपी लगने। और वहाँ पर एक रिवर है जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा कि वो रिवर कहाँ पर जाती है। और इस साइड पर आप शायद मेरे को एक बेसमेंट बनना चाहिए इस टावर में, जो कि सीक्रेटली उस लेक के अंदर निकले। और फिर यहाँ पर मैंने ना मेरा एंचेंटिंग टेबल रख दिया जो कि मैंने मेगा से चुराया है, उसको बताना मत, आर्च सीक्रेट। और इस साइड पर ही पता नहीं है डर्ट ब्लॉक वहाँ पर कैसे आ गए, लेकिन चले गए। इस साइड पर गाइस मेरा फार्म लैंड है जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगता है। और यहाँ पर मेरी वेल है जो कि मेरे को बहुत पर्सनल फेवरेट है। और इस साइड पर गाइस जो एक्स्ट्रा सीड्स आते हैं ना, मैं इनको डाल देता हूँ ताकि इनका बोन मिल बने, क्योंकि बोन मिल का फार्म तो बनाया नहीं है। और ये जो स्ट्राइडर है, पूछो मत गाइस, बहुत हालत ख़राब हुई है इनको यहाँ तक लाने में। और हाँ, ये 2 थे, समझ लो ये 3 कैसे हो गए होंगे। और फिर यहाँ पर मेरे शिप्स भी है जो जिनको मैं पहले खिलाता हूँ, बढ़ाता हूँ और फिर उनको मारता हूँ। इस साइड पर मेरा पोल्ट्री फार्म है, इसमें एक साथ है, बहुत सारे आ गए होंगे अभी तक। तो आ गए एक ही, ये चिकन इसलिए एक है, कोई बात नहीं। वो इस साइड पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लेके। और गाइस इसमें हम बहुत कुछ बनाने वाले इस वाले एरिया में। और लेक आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा भी गहरी नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रिवर जाती कहाँ पर है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है कि हम इसमें कोई नया बंदा आए तो वो बोट से इस रिवर में जाएगा, और अगर उसका नसीब खराब रहा गाइस सीधा जाएगा बेड रॉक तक, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस गुफा से केव जाती है, सो जो सीधा बेड रॉक पे जो होती है ना बड़ी सी केव्स, उस टाइप पे एक बेड रॉक भी दिखता है नीचे तक है वो -57 और समथिंग ब्लॉक्स के टाइम। ओके तो फिर गाइस अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, हम जाएंगे एक दिन गाइस उस केव में। लेकिन हाँ, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मेगा या फिर फ्लैस्टर को लेके जाऊँगा, क्योंकि गाइस मैं तो नोबड़ा हूँ, मेरे को तो सर्वाइवल का कुछ आता तो है नहीं, इसलिए उन प्रो बंदों को लेके जाऊंगा। हाँ, और गाइस जल्दी थॉमस और डस्टर पाई भी हमारे साथ खेलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। और जैसे कि आपको पता है सीज़न 1 में उसका बहुत ज़्यादा बढ़िया बेस था थॉमस का, इस सीज़न भी अच्छा होगा। तो अभी मैं आपको मेरा टावर दिखाता हूँ। हाँ, मैंने इसमें डोर नहीं बनाए, मत पूछो कि मैंने क्यों नहीं बनाए, लेकिन वेट फिर से कैसे आ गया ये ब्लॉक पता नहीं गाइस, वो फ्लैशर का डॉगी है वहाँ बाहर। और यहाँ पर है मेरा फर्स्ट रूम है जिसके अंदर मैं मेरा फालतू सामान रखता हूँ जिसको मैं छूटा नहीं हूँ कभी कभी। और इस साइड पर बड़ी चेस्ट है जिसके अंदर मैं सारा अपना कचरा डाल देता हूँ जो कि मुझे नहीं चाहिए है।
और इसमें ज़्यादा कुछ तो काम का सामान तो नहीं। ऊपर वाले फ्लोर पे चलते तो फिर गाइस यहाँ पर मैंने डस्टर पाई का सामान रखा क्योंकि भाई चोरी हो गया तो ये मेरे पे नाम लेगा। और यहाँ पर है मेरी बढ़िया सी गैलरी जो कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिक फील देती है। और कहीं ये दूर दूर तक जहाँ तक देख रही है सारा ये संपिका एरिया पूरे माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड। और इस साइड पे इस रूम का तो गाइस मैंने क्या करना है वो तो अभी तक सोचा नहीं है। आप कमेंट्स में बता देना कि हम लोग इसमें क्या करें। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर दो विंडोज बना देता हूँ। भाई ये है ना फालतू में डर्ट ब्लॉक से। और देखो गाइस मैं पिकेक से तोड़ रहा हूँ वो भी डर्ट। देखा गाइस मेरे नोब डिगिरी भाई फालतू में है। मैं 3 महीने तक माइनक्राफ्ट में खेला सब कुछ भूल गया हूँ मैं। और यहाँ पर भी एक विंडो बना देता हूँ ताकि अच्छा सा व्यू आए। और चलिए हम ऊपर वाले फ्लोर पर चलते। ये सबसे बड़ा वाला फ्लोर है गाइस। इसमें बहुत कुछ जगह बहुत सारी जगह है। इसमें ये जो ऊपर की लाइट्स ये ऑन ही रहते हैं। इसमें ये बता रहा हूँ कोई भी लेवर वेवर का चक्कर नहीं है। और देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहे वो मेरे स्ट्राइडर। गाइस इनको कुछ हो गया ना मैं मर जाऊँगा। मेरी इतने ज़्यादा पालतू और फेवरेट है स्ट्राइडर। और फिर वेट वेट व्हाट 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 ओ शिट 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 गाइस आप फिर तो बारिश हो गया अभी फटाफट से एमएलजी विद ओ शिट इनको कुछ होने से पहले मर गया भाई मैं तो। ओ नो शिट यार किस कितने प्यारे थे वो यार मेरे स्ट्राइडर। भाई सारा मूड खराब हो गया अभी गाइस। 2 मिनट इनकी शांति कर लेते 2 मिनट का मौन व्रत के लिए। बाप रे यार 14 स्टैंड मिली अच्छे लूटे लेकिन यार अच्छे लूटे मेरे सारे पेट्स। बहुत मेहनत से लाया था मैंने उनको लावा भी नहीं था उनके पास बेचारे इसे तड़पते थे यहाँ पर हर रोज। कोई बात नहीं मैं अपना अब स्टॉप कलेक्ट कर लूँगा नहीं तो डिस्पॉन होगा तो रोने बैठ जाऊँगा। मजाक कर रहा हूँ। तो फिर अभी गए ये काम करता हूँ इनको है ना खिलाता और इनकी जनसंख्या बढ़ाता हूँ सबसे पहले। ओके तो फिर गए इस वाली वीडियो में हम इतने कुछ रख देते हैं ज़्यादा कुछ तो नहीं है। एक बार और आज जाने से पहले एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे शिप्स को जो ब्रीड करवा लेना है और फिर उनके जो बेबी शिप्स होंगे उनको बस ऐसा एक फेंस गेट लगा दो और उसके ऊपर कारपेट रख दो और उसको खोलोगे तो सिर्फ बेबी शिप्स ही आ पाएंगे जो कि बहुत सारा ओपी ट्रिक है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे घर में एक लुटेरा है। सबसे पहले तो इसकी कुटाई करता हूँ और इसके दोनों कुत्तों को लामास को मेरे पास रख लेता हूँ। ओके तो फिर इस वाली वीडियो में अगर आप ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या कहते थे यार भूल गया होगा मैं 3 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ तो हाँ। और ये इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको SMP में इंटरेस्ट है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो और आप भी बन सकते हो हमारे SMP के मेंबर। सिर्फ आपको कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे दैट्स ऑल। विद दैट सेड गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूँगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर ब्लैक इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त का मैसेज आ गया था और मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगा। विद दैट सेड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। सबसे पहले ना इनको लगा देता हूँ बाय बोलने से पहले एक फेंस गेट चाहिए। ओके और गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे तो मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मेरे को नेक्स्ट मंथ तक 200 फॉलोअर्स कंप्लीट करने के तो फटाफट जाइए इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। और इनको यहाँ पे लटका दिया है तो चलो अभी तो गुड बाय बोलने।